Hello children, today we will continue our previous topic that is converting a bigger unit into smaller unit. हम अपना पिछला previous topic ही आज continue करेंगे कि bigger unit को smaller unit में कैसे हम convert करते हैं. जब भी हम जो बड़ा होता है छोटे के पास आता है यानी bigger unit smaller में convert करते हैं तो हम multiply use करते हैं, multiply करते हैं. हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि बिगर यूनिट जब स्मॉल में आती है बिग कितनी स्मॉलर यूनिट के इक्वल है, ये पता होता है तो फिर हम इजीली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं. आज हम करेंगे कन्वर्टिंग डेज इनटू आर. डेज को हम आर में कन्वर्ट करना सीखेंगे. वीक इनटू डेज, वीक को डेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे. मंथ इनटू डेज, मंथ को डेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे. और लास्ट है आपका इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना सीखेंगे. सो पेज नंबर 94 पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट का, उसका हम ए पार्ट करते हैं. ए पार्ट है 7 डेज इनटू आवर्स. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे कितने आवर्स के इक्वल होता है. वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. डन. अब आपको निकालना है कि 7 डेज में कितने होंगे. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स. आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा. कंप्लीट. अब हम बी पार्ट करते हैं. इसमें है 10 डेज 20 आवर्स इनटू आवर्स. इसमें एक आपको 20 आवर्स एक्स्ट्रा दे दिए. कैसे कन्वर्ट करना है देखते हैं. सबसे पहले आप अगेन यूनिट राइट करो. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. डन. अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, 10 डेज को कन्वर्ट करना है और आपको साथ में 20 आवर्स भी दे रखे हैं. तो आज तो है ही, तो हम जो आंसर आएगा उसमें ये 20 प्लस कर देंगे. तो पहले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स प्लस में ये जो आपको 20 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करो. 10 की मल्टीप्लाई 24 से तो 240 आवर्स प्लस में 20 आवर्स जो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं इनको आप प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 260 आवर्स. देन सी पार्ट आप खुद होमवर्क में करेंगे. नाउ नेक्स्ट डी पार्ट. डी पार्ट वीक को डेज में कन्वर्ट कर जाए. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 वीक में कितने डेज होते हैं. कितने होते हैं? 7 डेज. कौन से? संडे मंडे लर्न है आपको. सो 1 वीक में 7 डेज होते हैं. आपको बताना है कि 15 वीक में कितने डेज होंगे. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज. आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर राइट करेंगे. आप 15 7 जा 15 की टेबल आपको लर्न है तो आप इजीली कर सकते हैं. 15 7 जा 105 डेज. दैट इसका ई पार्ट आप खुद करेंगे. ई में आपको वीक के साथ कुछ डेज भी दिए होंगे तो आप पहले वीक को कन्वर्ट कर देंगे और डेज को प्लस कर देंगे. जैसे हमने इसमें किया था, इसमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना था और साथ में 20 आवर्स और दे रखे थे तो हम आवर्स को प्लस कर देंगे. अब हम आते हैं एफ पार्ट, जो है मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है. इसमें आपके क्वेश्चन में आपको मंथ में डे भी दे रखे हैं. आपको दे रखा है 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. या आपके क्वेश्चन में दे रखे है कि आपको 30 दिन ही लेंगे, 30 डेज. अब आप क्या करेंगे, 3 किसको कन्वर्ट कर दिया, 3 मंथ और 3 डेज. डेज डेज हो गया तो आप डेज को प्लस कर देंगे, मंथ को कन्वर्ट करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई बाय
थर्टी डे प्लस में थ्री डेज, आप थ्री थ्री सा नाइन और जीरो का हो जाएगा नाइन्टी डेज प्लस में थ्री डेज, ये हो जाएगा 93 डेज आपका आंसर। इन्होंने ये बोला था ना थ्री मंथ और साथ में थ्री डेज एक्स्ट्रा, तो हमने थ्री मंथ को कन्वर्ट किया तो वो 90 डेज हो गया और साथ में थ्री डेज एक्स्ट्रा दिए थे तो थ्री हमने प्लस कर दिया 93 आंसर। अब मैं आपको जी पार्ट करके दिखाती हूँ। जी में इन्होंने ये बोला है आपको लेना है वन मंथ इज इक्वल टू 31 डेज, इसमें आपको 31 डेज बनना है। आपको पता है कि जो आपके मंथ है फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, 28 डेज जब आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है यानी लीप ईयर नहीं होता तब 28 डेज होते हैं, और जिस साल लीप ईयर होता है तो फेब में 29 डेज हो जाते हैं, बाकी रेस्ट जितने भी मंथ है किसी में 30 डेज और किसी में 31 डे होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में 31 डे मान के चलना है। आप कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, वन मंथ टू डेज, सो वन मल्टीप्लाई बाय 31 डे, 31 डेज और साथ में 2 डेज जो एक्स्ट्रा दे रखे वो हम प्लस कर देंगे, प्लस में 2 डेज, तो 31 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 31 आ जाएगा और आप प्लस कर दोगे 2 डेज, आपका आंसर आ जाएगा 33 डेज। डन। लास्ट आपका एच, इसको ईयर को मंथ में करना है। आपको पता होना चाहिए वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, मंथ्स यानी जनवरी फरवरी कितने होते हैं, 12 मंथ्स। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर का, और नंबर क्या है उसका 11। ओके, जल्दी ही आपका ये ईयर भी 2020 भी कंप्लीट हो जाएगा। वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो आपको चेंज क्या करना है, 7 ईयर और 10 मंथ, 10 मंथ्स है तो 7 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, 12 मंथ्स हो गए और प्लस में 10 मंथ जो आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो आप करेंगे 12 7 84 मंथ्स और प्लस में 10 मंथ्स, इसको आप ऐड कर देंगे 94 मंथ्स आपका आंसर आ जाएगा और आई पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अगेन आज हमने सीखा आज को डेज को कैसे आज में चेंज करते हैं, वीक को डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मंथ को डे में और लास्ट ईयर को मंथ में। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे गए थे, वीक बड़ा होता है डे छोटा होता है, तो वीक जब डेज में कन्वर्ट होता है तो मल्टीप्लाई। आपको यूनिट लर्न करनी पड़ेगी कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, किसके इक्वल होता है, तो ये लर्न करके आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टुडेज वर्क इज कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।